सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस मेरे मेल बॉक्स पे आया है बनी MP40। गाइस आप लोग को जानना है मैंने कैसे जीता, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसको क्लेम कर लेते, यो चलो स्क्रीनशॉट लेते। चलो गाइस वीडियो लास्ट तक देखना और इन्जॉय करना। आ जाओ सब लोग। ठीक है, सकते हो बहुत ही ज्यादा ओपी प्लेयर्स यहाँ पे, दूर से शक्ल से ही लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा बनी MP40 कितना ज्यादा रेयर है। ठीक है, तो सब लोग आप देख सकते हो यहाँ पे पाटिल है, अविनाश है, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता। ठीक है, GW किलर है कोई, सच बोल रहा हूँ, मैं इनमें से एक भी बंदे को नहीं जानता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 5 के पास एक बंदा उतरा है। ठीक है, नंबर 5 का पहला गेम प्ले देखते, AN नोबिता, देखते क्या करते। ये पीक पे नहीं है, मेरे को लगा पीक का घर है, सॉरी मैं कहीं और देख रहा था। ठीक है, तो नोबिता के पास फाइट लगने वाली है। ठीक है, AN नोबिता शायद से फर्स्ट फाइट यहाँ पे होगा और उनके पास है शॉटगन, और देखने की बात यह है। और नेवर फियर को AN नोबिता ने पहले ही फेल दिया। भाई मैं बता रहा हूं इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेयर्स आने वाले हैं, स्पास ज्यादा बेटर चलती है, लेकिन जिसके पास ड्रैग पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और यहां पे उतरते हुए नीचे, ओ भाई बच्चा 222 ने एकदम से हेडशॉट मारते और फिर से इमोट मारेगी, क्योंकि बंदा बच्चा है, बहुत ज्यादा नॉटी लग रहा है मेरे को दूर से ही। ठीक है, इसलिए सब बंदों को ये इमोट्स मार रहा है। ठीक है, और बच्चा ने यहाँ पे 2 किल निकाल लिए बहुत ही आराम से। ठीक है, तो बच्चा खुश। ठीक है, क्योंकि बच्चा को पता है कि बनी MP40 कितना ज्यादा रेयर। और यहाँ पे कार्तिक है, इनके पास बनी MP40 है, लेकिन ये ज्यादातर ड्रॉप से आती है और ज्यादातर बंदों के पास परमानेंट नहीं होता है। ज्यादातर क्या, ये पूरे इंडिया सर्वर का सबसे ज्यादा रेयर गन स्किन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पे रिशु है जो कि एकदम से कैंप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा इस रूम्स में कुछ भी रश करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक जगह बैठना है और आपको बस पोजीशन के पॉइंट से भाई टॉप 3 आना है और आपको अपने आप ही मिल जाएगा सब। ठीक है, और यहाँ पे निचल ने भी एक किल निकाल लिया है। रिशु एक ही घर में आ रहे क्या, यहाँ पे शायद से फाइट लगने वाली है। रिशु और कोई बंदा जिपलाइन से निकल गया या तो आ गया नीचे, एक बंदा जिपलाइन से निकला और एक और बाकी है। नोबिता ने सबसे पहला किल किया था, रिशु भी यहाँ पे एकदम से बैठे एक ही जगह, ऐसा ही करना है आपको, ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। आप अगर जोन के साथ भी चलना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पे बात बनी MP40 की है। ठीक है, रेमंड मैंडीज थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर 100 rupees सुपर चैट। लिस्ट में लोगे क्या, अरे बाद में देखते हो, ठीक है स्ट्रीम के बाद। ठीक है, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे इनके पास किसी से मिल सकता है। और एनजी स्टॉर्म को बहुत ही आसानी से SRV बिराज ने पेल दिया। ठीक है, बहुत ही आसानी से, मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी हाइट का एडवांटेज था और इनको किल भी बहुत ही इजीली से मिल गया। ठीक है, मैं दी MP40 बॉय है जिगर में होना अगर बह का दिया बिदिमा इसमें, लेकिन आपको जरूरी अपना कुछ प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बनी MP40 चाहिए, आपको स्टार्टिंग के जो कस्टम रूम्स होंगे उनमें आपको टॉप 3 आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, टॉप 3 सोलो में आना बहुत ही ईजी होता है, बस आपको लोकेशन के साथ चलना है। ठीक है, आपको पहले जोन प्रिडिक्शन तो होता नहीं है कुछ, जितने भी बंदे जोन प्रिडिक्ट करते हैं मैं सीधे बताऊंगा, जोन प्रिडिक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, जोन हमेशा अपने हिसाब से ही चलता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको किल्स की तरफ ज्यादा इन रूम्स में नहीं जाना है, लेकिन आपके पास एक चीज आपको जरूरी सोचना है, आपके पास लूट भी होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़े बहुत किल्स, एक दो किल तो स्टार्टिंग में आपको निकालनी पड़ते इजी, लेकिन अगर आप वो भी नहीं निकालोगे अभी के टाइम में, आपको जो है वेंडिंग मशीन से भी बहुत लूट मिल जाती है। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं होती है, लूट का कोई भी इशू नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सब लोग मेरे बोलने के साथ एक साथ स्ट्रीम पे लाइक जरूर करना, हम लोग 10,000 लाइक्स के एकदम करीब है, तो जो भी बंदा देख रहा है जल्दी से प्लीज लाइक कर देना स्ट्रीम पे। ठीक है, तो काफी मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो है बिराज भाई नीचे है, बिराज ने ऑब्वियसली 2 किल किए, और बच्चा किधर गया, बच्चा पेला गया क्या, भाई 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 बच्चा अभी भी यहाँ पे है, और अभी जाके बच्चा जो है एकदम से कैंप कर रहा है, क्योंकि बच्चे के पास ऑलरेडी मेरे को लग रहा है अच्छी खासी लूट होगी, उन्हें की जरूरत नहीं है, जो सेम गलती यहाँ पे नोबिता कर रहे हैं शायद से अभी आराम से, भाई भाई बोला ना मैंने, इस टाइम पे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी जोन जो है श्रिंक हो रहा है और सब बंदे अपनी पोजिशंस पे बैठे हो गए आराम से, और ये बंदा क्या रश करेगा यहाँ पे डबल स्नाइपर से, अगर इस बंदे ने रश किया डबल स्नाइपर से फिर तो भाई भाई क्या शॉट मारा था, एक शॉट मारा था बट थोड़ा सा हेड के नीचे, और
हर्ष भाई ने यहाँ पे आराम से अपना किल निकाल लिया, वो भी अपने जो मैक के। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रीम एंड जॉइनिंग द स्ट्रीम। सब लोग स्ट्रीम को एक बार प्लीज शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी आ पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे बात बच्चा भाई एकदम से, मैं बोला था बच्चा ओपी है, बच्चा ओपी ब्रो, बच्चा ओपी इन द चैट, ठीक है। बच्चा एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था, एकदम से भाई उसको डैमेज देने दिया, और उसके बाद क्रोनो यूज किया, तो सामने वाला बंदा ऑब्वियसली इस चीज में रहता है, तो ब्रोकन के पास यहाँ पे शायद हेलकिट नहीं है, और उनका जो आलोक है वो भी चार्ज नहीं है, और इस हिसाब से भाई बहुत खतरे में है ब्रोकन, ठीक है। इनको आराम से कोई बंदा ले सकता है, और यहाँ पे रिशु है और विराज है और यहाँ पे अलीश है और रबारी है, ठीक है। बहुत सारे बंदे डीएमटी एंटीडोट और किलर 20K और द फ्लैश कार्तिक भाई जिन्हें 4 किल्स किए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे रूम्स में किल्स भी निकालना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिक्वायर करती है, ठीक है। और यहाँ पे रहती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे 8 बंदे, ठीक है। यहाँ पे बच्चा है, आप देखो बच्चा क्या भाई रश कर रहा है, ठीक है। मतलब इतना रश तो करना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली पेला जाएगा, ठीक है। बट अच्छा खेलता है बंदा, ठीक है। यहाँ पे टीएस जेंग का ओपी, सबको पता है कि MP40 का वैल्यू, इसीलिए सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। और यहाँ पे विराज के पास वहां से नेड आते हुए, और विराज वापस से नेड का प्रदर्शन करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे रश करते हुए सामने वाला बंदा भागते हुए थोड़ा वो अच्छी पोजिशन ले रहा था, और विराज भाई शॉटगन ओपी ब्रो, लव यू, वेरी गुड ब्रो। और यहाँ पे एक और बंदे को पेल दिया गया, और यहाँ पे बचे टॉप 6 प्लेयर्स, ठीक है। टॉप 6 प्लेयर्स और टॉप अब बचे 5 प्लेयर, ठीक है। अलाइव 5 है, ठीक है। अलाइव 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 बंदे बचे एग्जैक्ट, ठीक है। और 3 बंदे बचे गए, तो हमें उन सब के हमें UID नोट करने, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली इसमें स्ट्रीम में तो नोट होते ही है, ठीक है। वो दिक्कत नहीं है, मैंने सबका ID चेक किया है पहले, किसी का भी दिक्कत होगा तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब यहां से मैं स्पेक्टेटर भाई 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 भाई, और यहां पे बचे 5 बंदे, और विराज भाई यहाँ पे जोन की वजह से मर सकते हैं, जोन की वजह से शायद से डाउन हो जाए, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से जोन ले रहे हैं। और यहाँ पे पीछे वाले बंदे को एलिमिनेट करते हुए, और सामने बचे 3 बंदे, और विराज भाई चौथे, ऑब्वियसली 4 बंदे यहाँ पे बचते हुए। और विराज भाई देखो कैसे जोन में आते हुए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशन में जोन की तरफ वापस बढ़ना, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत ही ओपी खेलते हुए भाई, बहुत ज्यादा ओपी, बहुत ओपी, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई, सच में लीमी बहुत ज्यादा अच्छा खेला बंदे ने। और यहाँ पे रिबारी बॉस यहाँ पे, और बच्चा यहाँ पे, हमको 3 बंदे चाहिए, 1 बंदा अगर गया तो बाकी 3 को तो मिलेगा ही, वो तो सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे विराज भाई ने ले लिया, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जो है तीनों के UID नोट कर रहा हूँ, ठीक है। जिंका और विराज और रबारी बॉस, इन तीनों ने यहाँ पे फर्स्ट कस्टम के 3 विनर्स हमें मिल चुके हैं, और अभी इनका फाइट लेने का ज्यादा तो कुछ मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी अब बोया की तरफ, मैं बोरा भाई विराज भाई अच्छा खेलते थे लेकिन एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे बोया निकालते हुए जेंग का ओपी उसके बाद भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई विराज भाई ने बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला, और बच्चा का मैंने पहले ही बोला था, ठीक है।